सभी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है आज दिनांक 18/7/2023 को पंडित दीनदयाल सेकावटी विश्वविद्यालय सीकर ने रिवलेशन फॉर्म मतलब रीचेक के फॉर्म कौन कौन सी क्लास में, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट थर्ड, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड ओनली। अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन के अगले से 15 दिन में आप भी अपना रीचेक करा सकते हैं। अगले 15 दिन में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से ये इन्होंने डाला है। अब रीचेक के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं यही बात बताऊंगा कि आपको रीचेक फॉर्म करवाने के पश्चात जो हार्ड कॉपी निकलती है वो ना तो यूनिवर्सिटी में जमा करवानी है ना महाविद्यालय में जमा करवानी है, उसको अपने पास सुरक्षित रखना है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि पिछली बार से काफ़ी समय से मैं देखता जा रहा हूँ कि जैसे भी हार्ड कॉपी अपन प्रिंट आउट लेते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में जमा करवाने आ जाते हो, कॉलेज में जमा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ना ही विश्वविद्यालय में जमा होगी। ये आपको खुद को अपने पास ही रखनी है, इसको कहीं भी नहीं जमा करवानी है, ठीक है। अब इसके मुख्य तथ्य जो कुछ पॉइंट है मैं उनको आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि कितनी तारीख और कितनी तारीख तक, 19/7/2023 से लेके 2/8/2023, ठीक है जी, ये 19/7/2023 से 2/8/2023 तक आप रिवलेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से, या आप खुद भी अपने पास कंप्यूटर है तो आप कर सकते हैं। दूसरा पहला हो गया। दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसके परीक्षार्थी अपने कुल प्रश्न पत्र मतलब अपने प्रश्न पत्र में से 50% ही प्रश्न पत्रों का रीचेक लगा सकता है। चौथा पॉइंट है इसमें ड्यू पेपर, अगर भाई आप थर्ड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर का ड्यू चल रहा है तो उसमें रीचेक नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर का रीचेक ड्यू है तो वो नहीं लगेगा। मतलब ड्यू पेपर किसी भी क्लास का है उसमें रीचेक नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें प्रति प्रश्न पत्र मतलब एक सब्जेक्ट का 340 रुपये रखा गया है, 70 रुपये इसमें चालान पे अंकित हो गए, मतलब ये कुल मिला के आपके हो गए 340, 60, 410 रुपये, ठीक है जी, 410 रुपये आपको एक सब्जेक्ट के लगेंगे। अगर आप उसी समय अगर दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड करते हो तो अगले वाले के 340 ही लगेंगे, और 340 ये फिर 70 दोबारा नहीं लगेंगे, ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट बात यह है कि एक बार अगर आपने चालान कटवा दिया ऑनलाइन और फिर आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे नहीं करवाना था तो वो रिफंड नहीं होगी, वो रिचेक लग ही चुका है। फिर इसका पॉइंट दोबारा वही आ गया है कि आपको महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है ना ही विश्वविद्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो प्रिंट आउट है वो अपने पास खुद के पास रखना है। जब विश्वविद्यालय अगर नोटिस डाल दे कि आपको इसको जमा कराना है तब आपको संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा, लेकिन अभी कुछ भी जमा नहीं करवाना है, ठीक है जी। अब लिखा है एक पॉइंट और है कि जिन परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं मतलब जिनका परिणाम आ चुका है सिर्फ उन्हीं का रीचेक है, जैसे अभी किसी का नहीं आया है तो वो जिस दिन आता है, जैसे मान लीजिए कि आज बीए पार्ट सेकंड का आ गया और आज तारीख 18 है, तो आप 19 से 15 दिन गिन लीजिए, 19 से 15 दिन के बीच, 19 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप रीचेक लगा सकते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के 15 दिन में, ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट और ये है कि आरएल प्रतिशत, आरएल का मतलब है रिजल्ट लेटर, किसी कारणवश आपका रिजल्ट रुक गया है तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 15 दिन बाद आप अपना 15 दिन मतलब रिजल्ट डिक्लेयर जैसे आज हो गया तो उसके 15 दिन की अवधि में आप अपना रीचेक फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में इसकी वेबसाइट दे दी गई है और आप इसको अच्छे से सबमिट कीजिए और जमा कराइए, जमा मतलब ऑनलाइन कराइए सॉरी, और उसके बाद अपने पास रखिए। क्लास मैंने आपको बताई दी है ई मित्र के द्वारा आपको करना है 19/7/2023 से लेके 2/8/2023। बाकी अगर और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जी। और इसमें कुछ क्या था या 50%, ठीक है जी। बाकी जय हिंद, जय भारत।